तो आज हम पढ़ने वाले हैं, टुडे वी हैव टू लर्न द इंडियन रिलीजन। क्या पढ़ने वाले हैं? द इंडियन रिलीजन। इंडियन रिलीजन यानी कि भारतीय धर्म। क्या पढ़ने वाले हैं? भारतीय धर्म। यानी कि वे आज हम इस चैप्टर के द्वारा ये जानेंगे कि वे कौन कौन से प्रमुख धर्म हैं जो भारत में फॉलो किए जाते हैं, यानी कि भारत में माने जाते हैं। क्या है वे, कौन कौन से प्रमुख धर्म हैं जो भारत में फॉलो किए जाते हैं, उनको माने जाते हैं, उनका अनुसरण किया जाता है, यानी कि भारत में मानने वाले हैं। ठीक है, समझ गए। तो हम एक एक धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, टुडे वी विल टॉक अबाउट हिंदुइज्म। क्या है? टुडे वी विल टॉक अबाउट हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म। क्या है? हिंदू धर्म की शुरुआत कैसे होती है? ठीक है, तो ये माना जाता है ना, इसके बहुत सारे साक्ष्य हैं जो दिखलाते हैं, कई सारे एविडेंसेज हैं, प्रूफ्स हैं जो दिखाती हैं कि हिंदुइज्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। क्या है? हिंदू धर्म जो है दुनिया की सबसे पौराणिक धर्म है। क्या है? सबसे पौराणिक धर्म है। इट इज ऑल्सो नोन एज सनातन धर्म, जिसको क्या नाम जाना जाता है? सनातन धर्म। यानी कि अगर एक तरह से बात किया जाए तो सारे के सारे जो धर्म हैं, है ना, यानी कि यही सनातन धर्म की विभिन्न शाखाएं हैं। क्या है? यानी कि प्राचीन समय में सिर्फ एक और एकमात्र धर्म था, वह सनातन धर्म था, है ना। यानी कि सनातन का ही एक हिंदुत्व जो है, वह हिस्सा जो है सनातन धर्म का ही है, ठीक ना। यानी कि उसको सनातन धर्म भी कहा जाता है। इसीलिए इट इज सो ओल्ड डैट इट्स फाउंडर्स नेम ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड इज नॉट नोन, है ना। कहने का मतलब है कि जैसे मतलब कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ही जिस धर्म का उत्पत्ति हुआ है ना, जिस प्रकार से चलते आई, इसमें किसी भी तरह से मतलब कि और धर्म में जानेंगे तो उसको मतलब एक विचार है। क्या है? एक विचार है जो किसी धर्म से अलग हुए थे, इससे उनके फाउंडर पता चलते हैं, ठीक ना। लेकिन इस धर्म में मतलब कि किसी भी जो स्पेसिफिक है, क्या है, यानी कोई विशेष जो व्यक्ति का नाम इसमें नहीं आता है जिसने इस धर्म की स्थापना करी, ठीक ना। तो द नेम हिंदुइज्म वाज गिवन टू ओनली एट ए लेटर स्टेज, है ना। तुम्हें बताया कि यानी कि सनातन धर्म, तुम्हें जस्ट बताए हैं कि यानी कि उसको तो हिंदुइज्म जो था, यानी कि हिंदू धर्म जो थी, यानी कि, है ना, इसे बाद में नाम दी गई, है ना। इट इज़ ओनली एट द लेटर स्टेज, यानी कि बाद के कालखंडों में, ठीक है। सम ऑफ द गॉड, क्या है, सम ऑफ द गॉड्स एंड गॉडेस वर्शिप टूडे देयर वेयर इन द हरप्पन सिविलेशन और इवन अर्लियर टू इट, है ना। जैसे शिवलिंग, पशुपति, मदर गॉडेस, है ना, सेक्रेट साइन ऑफ स्वस्तिक, वर्शिप्ड ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट हेल्प अस टू प्रूव दिस पॉइंट, है ना। कहने का मतलब है कि सम ऑफ द गॉड्स एंड गॉडेस, है ना, कि कुछ जो देवी और देवताओं जो है ना, देवी और देवता जो है वर्शिप टूडे वाज जो पूजे जाते हैं, वेयर देयर इन द हरप्पा सिविलाइजेशन, यानी कि वे जो देवता जो थे, यानी कि हरप्पा सभ्यता में भी उन्हें पढ़ना था, है ना, है ना, उनमें भी पढ़ा हमने। जैसे कहने का मतलब इसमें है ना, शिवलिंग जिसको पशुपतिनाथ कहा जाता था उसमें, है ना, यानी कि शिव की जो आकृति जिसमें मतलब कि पशुपति जो इसमें शेर वगैरह का, है ना, बैल है ना, समझ गए, गाय, ठीक है, ऐसे जानवरों उसमें थे, है ना, तो उन्हीं को मतलब पशुपति, है ना, जो चार जानवरों का था तो पशुपति कहा जाता था, पशुपतिनाथ, है ना, तो जिसको शिवलिंग के रूप में। और मदर गॉडेस यानी कि मातृदेवी की पूजा होती थी, किसकी होती थी, मातृदेवी की। और एक जो मतलब कि पवित्र साइन जो है अभी जो हमारे यहाँ अभी भी होती है, जो स्वास्तिक है, क्या है, यानी कि स्वास्तिक की भी पूजा की जाती थी, है ना। उसके अलावा ट्रीज, है ना, पौधों का, देखते हमारे आज भी माताएं बहनें जो है, है ना, क्या करते हैं विभिन्न अवसरों पर उसकी पूजा करते हैं, है ना, ठीक है। तो क्या यह साबित करती है इस तथ्य को, है ना, क्योंकि उस समय की जो धर्म अभी अनुसरण किए जाते हैं, ठीक ना। आगे बात करें तो हिंदुइज्म बिलीव्ड इन वन और वन सुप्रीम गॉड हु इज प्रेजेंट इज एवरी थिंग्स, है ना। यानी कि हिंदुइज्म जो है, हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म में मान्यता है, वैसे सुप्रीम गॉड यानी कि सर्वोच्च, क्या है, सर्वोच्च शक्ति वाले ईश्वर की, हु इज प्रेजेंट इन एवरी लिविंग थिंग्स, यानी कि वह प्रत्येक जीवित जीवों में, क्या है, इनकी प्रत्येक कणों में जो है, क्या है, वह विद्यमान है, यानी कि सर्वमान है, यानी कि सभी जगह वह उपस्थित है, है ना। ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह जानवर हो, चाहे वह पौधे हो, है ना। इट अलाउज इट फॉलोअर टू वर्शिप द सुप्रीम गॉड इन एनी फॉर्म और एनी वे दे लाइक, है ना। क्योंकि इसमें एकदम स्पष्ट बात है कि इसमें यानी कि हिंदुइज्म एक तरह की प्रकृति पूजक कहो, क्या है, यानी कि प्रकृति के वे हर कर्म जिससे तुम्हें क्या होता है, जिससे तुम्हें
फायदा पहुंचता है, जिससे तुम्हें लाभ पहुंचता है ना, उन तमाम चीज़ों की पूजा है। यानी कि इसमें किसी भी तरह की मान्यता जो बैनिंग नहीं है, है ना, कि इट इज़ अलाउ, यानी कि इट्स फॉलोअर कि अपने अनुयायियों को क्या है, अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोअरों को, है ना, कि क्या करती है, अनुमति करती है, यानी कि सारे सुप्रीम कोर्ट को पूजा करने की वह किसी भी रूप में कर सकता है, क्या है, किसी भी रूप में कर सकता है, और इन एनी वे दे लाइक, यानी कि वो जैसा जिस प्रकार से चाहता हो। ठीक है, हिंदुइज्म बिलीव डैट कि देयर आर थ्री वेज टू अटेन मोक्ष, यानी कि हिंदू धर्म में जो मोक्ष, मोक्ष क्या होता है, मोक्ष कहने का मतलब होता है यानी कि बिल्कुल ही आत्मा में परमात्मा की तरह से कहो तो आत्मा का परमात्मा से मिल जाना, है ना। जैसे एक मृत्यु होती है जिसमें शरीर मृत होता है, क्या होता है, शरीर मृत होता है, है ना, समझ में नहीं बात। लेकिन मोक्ष का मतलब होता है यानी कि जन्म और मरण की जो बंधन है ना, जैसे हम सुनते आते हैं ना कि मतलब जन्म लेने के बाद मृत्यु होती है, तो फिर वह जो आत्मा होती है दूसरे में चला जाता है, दूसरे जीव में। लेकिन मोक्ष वैसा नहीं है, मोक्ष कहने का मतलब है कि जीवन और मरण की बंधन से मुक्त हो जाना, है ना, यानी कि ईश्वर में एकाकार हो जाना, है ना, यानी कि ईश्वर की जो हमारी जो ईश्वर मान्यताएं हैं उसमें, है ना। और यह मोक्ष कैसे पाई जा सकती है, तो यह मोक्ष जो है तीन तरह से पाई जा सकती है। हिंदू धर्म में जो मोक्ष पाने के तरीके हुए, तीन तरह तरीके से वर्णन किए गए हैं। एक है कर्मयोग, क्या है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, है ना, कि अपने कर्म से, क्या है, कर्म से, है ना, अपने बुद्धिमता से, और तीसरी जो है ईश्वर की भक्ति से, यानी कि इसको सबसे बड़ा आगे वाले कर्मों में जो है बाद में से भक्ति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया, है ना, यानी कि भगवान की जो कीर्तन भजन, ठीक है, तो है ना, जैसे कहने का मतलब है, इसका मतलब ही होता है कि डिवोशन एंड सरेंडर टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अपनी आप को, क्या है, अपनी आप को पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना, क्या कर देना, अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना, ठीक है ना। उसके अलावा थोड़ी सी विस्टा फैक्ट जान लो, है ना, अधिकतम बात की गणेशा इज रिगार्डेड एज द रिमूवर ऑफ ऑल ओबस्टिकल, क्या है, यानी कि गणेश को, क्या है, हमारे धर्मों में गणेश को, क्या देखो, है ना, किसी भी हमारे यहाँ देखते हो, है ना, हिंदू जो पूजन पद्धति है, क्या है, हिंदू पूजन पद्धति में सर्व जो पूजन होती है किसी भी कर्मों में, किसी भी धर्म सॉरी किसी भी पूजन पाठ के समय, तो सबसे पहले गणेश की पूजा की जाती है, क्या होती है, कि गणेश की मान्यता है, गणेश को कहा ही जाता है, गणेश इज रिगार्डेड एज रिमूवर ऑफ ऑल ओबस्टेकल्स, है ना, यानी कि गणेश को सारे, है ना, विघ्न बाधाओं को नाश करने वाला माना जाता है ना, उसको विघ्नहर्ता कहा जाता है, क्या है, विघ्न विनाशक, क्या कहा जाता है, विघ्न विनाशक, है ना। एवरी रिलीजियस फंक्शन स्टार्ट विद द वर्शिप ऑफ गणेश, है ना, बताया भी कि हमारे जितने भी धार्मिक कृत्य होते हैं इसीलिए गणेश की पूजन के साथ प्रारंभ होती है ना, कि सबसे पहले गणेश को पूजा करके जो आसपास की जो बुरी शक्तियां होती है उसको मतलब उसमें दूर की जाती है, क्या की जाती है, दूर की जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई होगी बात, अच्छे समझ में आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या, उसके बाद हम कहते हैं ना यहाँ कि, है ना, कि सृष्टि, है ना, फिर समझ इस बात को थोड़ी सी अच्छे से, है ना, कि जो सृष्टि जो है, यानी कि जो निर्माण जो है, क्या है, सृष्टि का निर्माण जो है इस गवर्नमेंट एज द थ्री गॉड, यानी कि हिंदू धर्म में जो मान्यताएं हैं, है ना, यानी कि इसको मतलब कि तीन, क्या है, क्रिएशन जो है, सृष्टि का निर्माण जो है उसको त्रिदेव ने किया है, क्या है, तीन, है ना, तीन देवताओं ने मिलकर किया है, वे तीन देव में ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश है, ठीक है। इसमें ब्रह्मा को क्या माना जाता है, ब्रह्मा इज कंसिडर्ड द क्रिएटर, यानी कि ब्रह्मा को निर्माता, क्या है, ब्रह्मा को निर्माता, विष्णु को प्रिजर्वर, यानी कि विष्णु को पालक, क्या है, पालक, यानी कि पालने वाला रक्षक, और महेश को, यानी कि शिव को, क्या, डिस्ट्रॉयर, यानी कि विनाशक कहा गया, क्या क्या है, यानी कि विनाशक, समझ गए, यानी कि दुश्मनों का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। उसके अलावा शिव इज ऑल्सो वर्शिप एज ए ओरिजिनेटर ऑफ म्यूजिक एंड डांस, यानी कि शिव को नृत्य और जो संगीत है उसके जो उत्पत्ति करने वाले के रूप में भी पूजा जाता है, जिसमें आप नटराज जो चित्र है उसमें शिव को मतलब कि नृत्य करते हुए दिखलाया गया है ना, नटराज में। उसके अलावा द अदर गॉड्स वर्शिप्ड बाय द हिंदूज आर राम, कृष्ण, गणेश, है ना। उसके अलावा अन्य भी जो देवताएं हैं जो हिंदू धर्म में जो पूजे जाते हैं वे हैं राम, कृष्ण, गणेश, क्या है, गणेश, जिसको शिव और पार्वती के संतान माने जाते हैं, है ना, ठीक है। उसके अलावा हनुमान को, है ना, मतलब कि डिवोटी ऑफ राम, यानी कि राम के अनुयायी, यानी कि राम के जो भक्त, ठीक है। एंड गॉडेस लक्ष्मी, लक्ष्मी की पूजा की जाती है, सरस्वती की पूजा की जाती है, काली की पूजा की जाती है, है ना, पार्वती की पूजा की जाती है, है ना, इनकी जो जो है वाइफ ऑफ शिवा, यानी शिव की पत्नी के रूप में, एंड मैनी अदर्स, और बहुत सारे जो देवी देवताएं हैं उनकी पूजा की जाती है, लेकिन जो तीन जो मूल जो देव हैं वह है ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा की जाती है। यानी कि हिंदी फिलोसफी डील्स विथ द सब्जेक्ट एज वाट इज गॉड, है ना, वाट इज सॉल, वेयर डज मैन गो आफ्टर दिस, है ना, कि हिंदू जो फिलॉसफी है, यानी कि हिंदू जो दर्शन शास्त्र है ना, उसमें जो डील्स विद द सब्जेक्ट, है ना, कि जो सब्जेक्ट, यानी कि जो विषयों का वर्णन है वह, कि व्हाट इज गॉड, कि ईश्वर क्या है, है ना, कि व्हाट इज सॉल, आत्मा क्या है ना, यानी कि आत्मा की जो मान्यताएं हैं,
वेयर डज मैन गो आफ्टर डेथ, यानी कि जो मनुष्य है क्या है, मनुष्य है वह मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, क्या है मृत्यु के बाद कहाँ जाता है। देखते हो क्या हमारे यहाँ जो स्वर्ग स्वर्ग और नरक की जो परंपराएं हैं, क्या है मान्यताएं हैं, है ना, समझ गए, जिसमें आप लोग आम आदमी बात करते रहता है सोन और बहुत सारे ऐसी ऐसी सवालों का, ठीक है। तो द उपनिषद आर द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ फिलोसफी, है ना, यानी कि हमारे जो दर्शन शास्त्र पे जो आधारित जो सबसे हमारे जो ज्ञान का जो मार्ग है, क्या है, यानी कि हमारे इन तमाम चीज़ों की जो ज्ञान है वो हमें जो प्रदान करती है वह उपनिषद, क्या है, उपनिषद है, समझ गए। द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ फिलोसफी विच एक्सप्लेन आत्मा, जिसमें आत्मा की बातें की गई है ना, जिसमें आत्मा का विस्तार पूर्वक बताया गया है, जो अगर पढ़ोगे आगे क्लासेस में, है ना, इसी तरह से तो तुम्हें हर चीज़ों का जवाब मिलेगा, है ना, परमात्मा की और गॉड की, है ना, जिसमें आत्मा परमात्मा और ईश्वर की जो है बातें की गई है, उसमें उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। हिंदू फिलोसफी प्रीचेजेस डेट सॉल इज इमोर्टल, यानी कि हिंदू जो दर्शन शास्त्र में कही गई है बातें मान्यताएं हैं कि जो आत्मा जो है क्या है, इमोर्टल है, यानी कि अमरणशील है, यानी कि आत्मा कभी भी नहीं मरती है, इट्स नेवर डाइज, यानी कि कभी नहीं मरती है, वेयर व्हेन इट लिव्स वंस बॉडी इट्स इंटर द अदर बॉडी, शुरुआत में बताए थे, है ना, कि जब मोक्ष के बारे में तुम्हें बताया उसमें बताए थे क्या होता है कि व्हेन इट लाइव्स वन बॉडी, यानी कि जब एक किसी शरीर में जीवित होता है, इट इन, है ना, सॉरी, है ना, व्हेन इट लिव्स वन बॉडी, यानी कि यह किसी एक शरीर को छोड़ता है तो इंटर्स द अदर बॉडी, किसी दूसरे शरीर में चला जाता है ना, क्या होता है, यानी कि आत्मा कभी नहीं मरती है, बस उसका शरीर बदलती है, क्या है, इसको बताए थे, और दिस इज कॉल्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, है ना, इसी को मतलब कि क्या जाता है, जन्म और पुनर्जन्म का चक्रण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जन्म और जो पुनर्जन्म का है चक्रण कहा जाता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझिए। तो आगे और देखते हैं जिसमें क्या कहा गया है कि हिंदुइज्म इम्फेसिजेस नॉन वायलेंस, है ना, क्योंकि हिंदू जो धर्म है क्या है, हिंदू धर्म जो है इम्फेसिस, यानी कि किस पे जोर देता है, नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा पर, है ना, कि हत्या पे विश्वास नहीं करती है किसी के, है ना, बिल्कुल ही शार्प है ना, कि टॉलरेंसी पे बिलीव करती है, यानी कि अहिंसा धर्म इसका जो परमो धर्म है, है ना, अहिंसा को है स्पष्ट रूप से हमारी गीता में बातें भी लिखी गई है, अहिंसा परमो धर्म, है ना, ठीक है, अहिंसा परम धर्म, है ना, ठीक है, जिसमें ब्रदरहुड लव एंड केयर फॉर ऑल बीइंग ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें स्पष्ट रूप से बातें सिखाई गई है, क्या है, जिसमें स्पष्ट रूप से बातें कही गई है, है ना, कि ब्रदरहुड लव यानी कि भाईचारा प्रेम और एक दूसरे की जो देखभाल है, है ना, एक दूसरे को रक्षा करना, क्या है, एक दूसरे का देखभाल करना जो है, है ना, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोई भी जीव हो, चाहे वह मनुष्य हो, जीव जंतु हो, सबके साथ मतलब प्रेम के साथ पेश आना, क्या है, प्रेम के साथ पेश आना, है ना, वर्च्यू ऑफ टॉलरेंस, है ना, यानी कि किसी भी वर्च्यू ऑफ टॉलरेंस मतलब कि सहिष्णुता का गुण, है ना, उसके प्रति हमें दया का भाव होना, क्या होना, दया का भाव होना, ऑल फैथ एंड रिलीजन्स आर हारमोनियस लिविंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप अमंग ऑल पीपल, यानी कि किसी भी धर्म के साथ, है ना, क्या करती है, सहिष्णुता के साथ, शांति के साथ, है ना, हारमोनियस लिविंग, यानी कि शांतिपूर्ण जीवन बिताने की प्रेरणा देती है ना, शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने की प्रेरणा देती है, ऑल पीपल विदाउट एनी डिस्ट्रिक्शन, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ बिना भेदभाव के, क्या है, बिना किसी भी व्यक्ति के साथ बिना भेदभाव के, ठीक ना, इट बिलीव्स एंड प्रीचेसेस द डॉक्ट्रिन्स ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, क्या है, यानी कि इसका जो है ना, इस हिंदू धर्म की जो सबसे जो उत्तम वाक्यों में से एक है वह है वसुधैव कुटुंबकम, जो मतलब कि क्या करती है, जो प्रीचेज मतलब उपदेश देती है कि द डॉक्ट्रिन, यानी किसको अपनाने की, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया, वसुधैव मतलब जो पृथ्वी जो है, क्या है, वसुधा मतलब पृथ्वी कहा जाता है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी जो संसार है ना, वह हमारे क्या है, हित है, यानी कि अपने है, क्या है, उनके सबके साथ समान व्यवहार करना, है ना, वसुधैव कुटुंब मतलब हमारे संबंधी हैं, क्या है, संबंधी हैं, ऑल पीपल लिविंग ऑन दिस अर्थ आर लाइक वन फैमिली एंड वी आर ऑल द मेंबर ऑफ दिस फैमिली, है ना, इसमें पूरी की है ना कि एक बिल्कुल ही एक पूरे दुनिया को एक परिवार माना गया है, क्या माना गया है, पूरी दुनिया को एक परिवार माना गया है, और उस सभी जो है हम जो है उस परिवार का एक अहम सदस्य हैं, क्या है, अहम सदस्य हैं, क्या है, अहम सदस्य हैं, एंड सर्वधर्म संभवा विच ऑल रिलीजन आर इक्वल, और इसमें सभी धर्म को समान माना गया है, क्या कहा गया है, यानी कि सर्वधर्म संभव, यानी कि सभी धर्म जो है समान है, ठीक है,
कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, है ना। उसके अलावा स्क्रिप्चर्स की बात करें तो अनलाइक अदर रिलीजियस दे आर मैनी होली बुक्स ऑफ हिंदुइज्म, है ना। यानी कि प्रमुख जो कृत्य हैं हिंदू धर्म की, है ना, तो सभी धर्मों में एक आध मिलेंगे, लेकिन हिंदू धर्म में जो है, है ना, क्या है, देर आर मैनी होली बुक्स ऑफ हिंदुइज्म, क्या है, यानी कि हिंदू धर्म के जो प्रमुख जो पवित्र पुस्तकें हैं, जिसमें प्रमुख जो पहले चार वेद हैं, क्या है, चार वेद हैं। चार वेद का नाम जानते हो तुम, बता सकते हो, ऋग्वेद, सामवेद, है ना, यजुर्वेद और अथर्ववेद, क्या है, धर्म, है ना, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, है ना, अथर्ववेदा और सामवेदा, ठीक है, जिसमें अलग अलग जो है बातें उसमें लिखी गई है, ठीक है, जो आगे हम पढ़ेंगे बाद वाली क्लासों में, ठीक है। उसके अलावा जो है द सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी, क्या है, यानी कि जो फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र के जो छः प्रमुख जो तंत्र है उसमें दर्शन, है ना, द पुराण, गीता, क्या है, गीता, जिसको द ट्रेजर ऑफ इंडियन फिलोसफी यानी कि भारतीय दर्शन शास्त्र का उसे खजाना, क्योंकि हम देखते हैं, है ना, हमारे इसमें कहा जाता है कि हमारे हर कष्टों का, हर बातों का समाधान है गीता में, क्या है, हर बातें जो है हमारी किसी भी तरह की जो समस्या है उसका समाधान गीता में है, ठीक है, इसमें, है ना, तो ये जो छः फिलोसफी है जो पहले नाम जान लीजिए, हमें पहले नाम जानना है, यहाँ पर ज़्यादा जरूरी है, यानी कि हमारे क्वेश्चन आंसर के हिसाब से, है ना, बाकी समझना तो है ही, इसमें दर्शन के जो है ना कि दूरदर्शन, पुराण, गीता, है ना, ठीक है, संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, श्रुति, स्मृति, है ना, स्मृति, है ना, उपनिषद, रामायण, महाभारत, क्या है, ये सब हमारे प्रमुख जो दर्शन के वेद हैं, ठीक ना, क्या है, दर्शन शास्त्र हैं, जिसमें हमें जीवन की, दर्शन का मतलब क्या होता है, जीवन को आगे मार्ग पर किस प्रकार से हमें बढ़ाना है, ना, किस प्रकार संयम से, धर्म धैर्य के साथ, है ना, शांतिपूर्वक, है ना, सहिष्णुता के साथ, सबों के साथ, प्रेम संभाव के साथ हमें आगे बढ़ानी है, अपने जीवन को खुश करके, है ना, इस जीवन को पार करनी है, ठीक ना। तो ये तमाम छोटी छोटी बातें जो है, है ना, उनसे जो समय मिलती है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे हम जो पढ़ने वाले हैं है, अगला दूसरा जो धर्म है वह है जोरोस्ट्रियनिज्म, क्या है, जोरोस्ट्रियनिज्म, ठीक है, यानी कि जिसको जरूरत, है ना, तो जोरोस्ट्रियम इज द एंशियंट रिलीजन ऑफ आरान, इसको हिंदी में पारसी धर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, हिंदी में पारसी धर्म कहते हैं, ठीक है, तो है ना कि ये इसके मतलब जो है यानी कि ईरान में, मतलब कि इसकी मतलब उत्पत्ति मानी जाती है ना, इस धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है, ईरान से होती है, है ना, और जरसूस्ट या फिर जोरोस्टर क्या होते हैं, है ना, उनको मतलब कि प्रोफेट यानी कि जो पर्सिया और ईरान मतलब उसी को इस धर्म का पैगंबर माना जाता है, क्या माना जाता है, मतलब कि इसको उन्होंने इस धर्म की स्थापना करी, किसने, है ना, कि जरथ्रुस्ट या फिर जोरोस्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, जरथ्रुस्ट या जोरोस्टर, जिसने इस धर्म की स्थापना करी, ठीक है। द फॉलोअर ऑफ दिस रिलीजन्स आर नोन एज पारसीज, है ना, बताए थे अभी जस्ट, अब इस धर्म के जो मानने वाले लोग हैं वह क्या कहलाते हैं, पारसी कहा जाता है, इसीलिए ईरान का पुराना नाम भी पर्सिया था, है ना, सुने होंगे, पर ईरान का पुराना नाम पर्सिया था। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी मतलब कि दुनिया की पुरानिक धर्मों में से एक है, क्या है, पुरानिक धर्मों में से एक है। अकॉर्डिंग टू जोरोस्ट्रियनिज्म देयर इज ओनली वन गॉड हु इज नोन एज अहुर माजदा, क्या है, अहुर माजदा, यानी कि दुनिया में कहने का मतलब है कि सिर्फ एक ही जो ईश्वर है जो क्या है नोन एज अहुर माजदा के नाम से, जहाँ उनके धर्म में अहुर माजदा, ठीक है ना, अहुर माजदा मतलब जो ही रक्षक है ना, यानी कि मतलब इसको चलाने वाला, ठीक है। हिज गॉड ऑफ फोर्सेज, जिसको मतलब कि है ना, जिसको किस में व्याख्या की गई है, मतलब कि वह बल का देवता है, क्या है, यानी कि गुड फोर्सेस यानी कि अच्छी शक्तियों का देवता है, क्या है, अच्छी शक्तियों का देवता है, है ना, लाइट एंड विजडम, है ना, यानी कि जो हमारे अंदर जो प्रकाश भरता है, बुद्धिमता भरता है, ठीक है। एविल इज रिप्रेजेंटेड बाई अहरिमान, यानी कि उसमें जो क्या है, एविल यानी कि जो दैत्य यानी कि शैतान जिसको कहें, क्या कहें, यानी कि बुरे लोग, क्या कहें, बुरे लोग, जिसको उसमें अहरिमान कहा गया, क्या कहा गया है, अहरिमान कहा गया है। और देर इज ऑलवेज अ टसल बिटवीन द टू, और किसी सिंपल सी बात है यानी कि हमेशा दोनों में टसल मतलब क्या, संघर्ष चलते रहता है, क्या होता है, टसल्स यानी कि संघर्ष चलते रहता है, यानी कि जिसमें है ना, यानी कि अपने रक्षक के लिए यानी कि जो यानी कि अहुर माजदा है यानी कि है ना, उनके जो देव परम शक्ति जो है वह अहरिमान से क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं और अपने जो अनुयायी हैं उनको रक्षा करते हैं, क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, ठीक है ना। कि दिस रिलीजन टीचेस टू ऑल फॉलो द राइट्स डीड, यानी कि इस धर्म में भी बातें स्पष्ट की गई हैं, यानी कि इसमें जिसमें राइट डीड्स यानी कि जो मतलब सही कार्य, क्या है, यानी कि सही कार्य को मानने की बात की गई है, ठीक है, जो
राइट थिंकिंग यानी कि जिसमें है ना राइट डीड्स यानी कि सही कार्य सही सोच और सही भाषा क्या है ना सही भाषा एजिन जैसे प्रकार से जैनिज्म में भी और बुद्धिज्म में भी त्रिरत्न जो है ऐसे फॉलो किए जाते हैं ना। जो आगे हम देखेंगे इफ ए पर्सन राइट और गुड एक्शन आर मोर देन द एविल है ना। कहने का मतलब है कि अगर मनुष्य जो है इसमें स्पष्ट रूप से बातें कही गई है इफ ए पर्सन राइट और गुड क्या है एक्शन आज मोर देन द एविल यानी कहने का मतलब किसी व्यक्ति का जो कृत्य है क्या है ना वह सही है या फिर उसके किए द्वारा कार्य सही है तो वह हमेशा बुरी चीज़ों पे विजय पाएगा क्या है हमेशा वह बुरी चीज़ों पे विजय पाएगा है ना। ही गोज टू द हेवन और क्या होगा इस प्रकार से वह उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी क्या होगी स्वर्ग की प्राप्ति होगी नहीं तो अदरवाइज टू द हेल यानी कि वह उसे नर्क की प्राप्ति होगी क्या होगी नर्क की प्राप्ति होती है ना कि ज़ोरोस्ट्रियन आफ्टर प्रेयर इन फ्रंट ऑफ द आयर यानी उनके जो पवित्र स्थल जो है कहने का मतलब जो है ना कि जो रोस्टियन पारसियों का जो पवित्र जो स्थल है वह क्या होता है कहा जाता है अग्नि मंदिर जिसको कहा जाता है यानी कि वे अग्नि है ना कि जो पवित्र अग्नि के सामने जो है अपनी प्रार्थनाएं है ना कि अपने जो है ना साधनाएं जो है करते हैं ठीक है। और दे वर्शिप सन एंड फायर उसके अलावा जो सूरज और अग्नि पूजक भी है यानी कि सूरज की पूजा करते हैं और अग्नि पूजक भी है ठीक है। तो स्क्रिप्चर की बात करें तो दे आर होली बुक इज अवेस्था यानी कि उनके जो पवित्र सब पूछने वाली है भाई सवाल को ध्यान रखना यानी कि उनकी जो पवित्र पुस्तक है वह है अवेस्था है ना जैन अवेस्था भी उसको कहा जाता है कहीं कहीं मिलेगा तुम्हें है ना। अब इट कॉन्टेंट जिसमें गाथाज है ना कि इसमें गाथाज कहने का मतलब जो है यानी कि इस पवित्र जो गीत है क्या है ईश्वर के प्रति जो समर्पित जो पवित्र गीत है वह है जिसमें मतलब किसको गाकर जो है यानी कि अपने है ना ईश्वर को प्रसन्न करते हैं लोग क्या करते हैं प्रसन्न करते हैं प्रेज ऑफ ज़ोरोस्ट्रियन विच आर रिसाइटेड एवरी डे क्या है जो मतलब कि प्रतिदिन जो है लोग गायन करके यानी कि उसके द्वारा प्रार्थना करके अपने ईश्वर को क्या करते हैं प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अन्य धर्मों के बारे में जिसमें जुदाइज्म में है ना ठीक है जैनिज्म है क्या है जैनिज्म है बुद्धिज्म है क्रिश्चियनिटी है ठीक ना यानी कि तमाम धर्मों को आगे हम और भी विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे तब तक के लिए आज यहीं तक ठीक है ना ठीक है।